कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने संसद में सत्र के दौरान कुरुक्षेत्र से पटियाला व कुरुक्षेत्र हरिद्वार रेलवे लाइन बिछाने का मुद्दा उठाया है। सैनी ने कहा कि संसद में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जिनमें कुरुक्षेत्र शहर में एलोवेटिंग रेलवे ट्रैक बनाए जाने को लेकर संसद में मांग की थी, जिनको मान लिया गया था, वह जल्द ही एलोवेटिंग ट्रैक बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दो बार अवसर लोकसभा के अंदर बोलने का मिला है। एक पहले जो समय मिला था तो मैंने जो कुरुक्षेत्र का ये जो रेलवे लाइन है जो कैथल की तरफ जाती है, इसके ऊपर लगभग 6 किलोमीटर का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की मैंने मांग रखी थी, और ये यहाँ पर लोगों को बहुत भारी समस्याओं का इससे सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो धार्मिक नगरी है, बहुत से बाहर से लोग यहाँ पर पर्यटक आते हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि पूरा जो पुराना शहर है, वो पुराना शहर थानेसर उस रेल लाइन से दूसरी तरफ है, और जब रेल आती है तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है, सभी के सभी फाटक लग जाते हैं। उस समस्या से निजात के लिए यहाँ रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बने, ये मांग मैंने रखी, वहाँ पर रखी है ताकि इसका जल्दी समाधान हो। और दूसरा मुझे बोलने का अवसर मिला है कि यहाँ से, क्योंकि जो पेहवा महाभारतकालीन हमारी धार्मिक नगरी है, और वहाँ पर भी क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों का सरस्वती घाट है वहाँ पर, और वहाँ पर भी लोग जाते हैं, धार्मिक नगरी है, तो कुरुक्षेत्र को पेहवा से चीका के अंदर, क्योंकि हमारे हरियाणा की लगभग मेरे जो ध्यान में है सबसे बड़ी मार्बल की मार्केट है, और वहाँ पर क्योंकि व्यापारियों को भी और जो कस्टमर है उसको भी, और उससे अलग भी क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहाँ आना जाना होता है, उसका भी उस दृष्टि से वहाँ पर आम जन को लाभ मिले अगर वहाँ पर जाएगी तो सीधी पटियाला की तरफ। मैंने उस मांग को रखा है कि कुरुक्षेत्र से पेवा से गुला चीका होते हुए पटियाला तक यहाँ रेलवे लाइन। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैथ की रिपोर्ट। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।